Good morning, student of 6th class. In the previous class, we are discussing about the quadrilateral and exercise also completed. Now we are going to discuss about the circle. Okay? On the basis of the exercise 4.6 theories. Okay? So student, now let's start the discussing about circle. What is circle? You know about this. ये बोतल, बोतल के ऊपर जो ऐसे दिखाई दे रहा है ये सर्कल है ये, ओके? ऐसे वास्तव में रियल लाइफ में आपको बहुत सारे सर्कल मिलेगी, ओके? जैसे देखो आप जिसमें जिस थाली में खाना खाते हो, ओके? तो उसी यूटेंसिल क्या होता है, एक सर्कल की शेप में होता है, ओके स्टूडेंट्स? एंड देन जो कंगन है, ओके, वो भी एक सर्कल है. बेंगल्स, लेडीज की बेंगल्स है, वो एक सर्कल होता है. अंडरस्टैंड? ऐसे वास्तव में बहुत सारे सर्कल्स आपको मिलेगी. अंडरस्टैंड? जैसे सर्कल क्या होता है ये आपको जानना है थ्योरीज में. तो सर्कल, ए सर्कल इज ए क्लोज्ड कर्व व्हिच इज नॉट ए पॉलीगन. एवरी पॉइंट ऑन द सर्कल इज एट ए फिक्स्ड डिस्टेंस फ्रॉम द फिक्स्ड पॉइंट इनसाइड द सर्कल. ओके, तो फर्स्ट क्या बोला सर्कल के बारे में, देखो ये हो गया एक सर्कल. मान लो इस सर्कल का सपोज मैं नाम नेम दे दिया सेंटर ई ओ, ओके? एंड इस सर्कल क्या है, इज ए क्लोज कर्व. ये क्लोज कर्व है जो क्लोज्ड है. अंडरस्टैंड स्टूडेंट्स? ये क्या है, क्लोज्ड कर्व है. ये हो गया क्लोज्ड, कहीं पर भी से भी ओपन नहीं है, ये क्लोज्ड कर्व है. बट एक चीज ध्यान रखना है, इज नॉट ए पॉलीगन. पॉलीगन नहीं है, इसका कोई इक्वल साइड नहीं है जो पॉलीगन हो जाएगा. ये कर्व से बनी हुई है. अंडरस्टैंड? दिस इज मेड बाय ए कर्व, ओके? व्हिच कर्व इज इक्विडिस्टेंस फ्रॉम ए फिक्स्ड पॉइंट. इस फिक्स्ड पॉइंट से इस कर्व का इक्विडिस्टेंस है, सारे साइड में जहां पर भी आप मेजर करो सब इक्विडिस्टेंस, सेंटर से एक ही दूर मतलब डिस्टेंस में सारे पॉइंट्स है. इधर का इसके ऊपर जितना भी पॉइंट्स है, इधर बोला गया है जैसे एवरी पॉइंट्स ऑन द सर्कल, सर्कल का कोई भी पॉइंट आप ले लो इसके ऊपर से, और सर्कल इज एट द फिक्स्ड डिस्टेंस फ्रॉम द फिक्स्ड पॉइंट इनसाइड द सर्कल. इनसाइड द सर्कल की इनसाइड में जो फिक्स्ड पॉइंट है, इस पॉइंट से फिक्स्ड डिस्टेंस है ये सारे के सारे, ओके? इसको आर से डिनोट किया जाता है. इसको क्या बोलते हैं, रेडियस, ओके? क्या बोलते हैं इसको, रेडियस. अंडरस्टैंड स्टूडेंट्स? तो स्टूडेंट्स आपको पता चला कि इसको क्या बोलते हैं, रेडियस बोलते हैं. कहां से कहां डिस्टेंस को रेडियस बोलते हैं, जिसका बाउंड्री में कोई भी पॉइंट से सेंटर तक कोई भी डिस्टेंस को क्या बोलते हैं, रेडियस बोलते हैं. और सारे डिस्टेंस जो एवरी पॉइंट्स ऑन द सर्कल इज इक्विडिस्टेंस फ्रॉम द फिक्स्ड पॉइंट, ओके, फ्रॉम द फिक्स्ड पॉइंट इनसाइड द सर्कल. इनसाइड सर्कल की इनसाइड में जो फिक्स्ड पॉइंट है, ये सारे फिक्स्ड पॉइंट से ये जो बाहर वाली पॉइंट की डिस्टेंस इक्वल है, बिल्कुल इक्वल्स है. अंडरस्टैंड स्टूडेंट्स? तो इसको हम क्या बोलते हैं, रेडियस, ओके? एंड ये जो ओ को कैसे डिनोट किया जाता है, ओ इज कॉल्ड द सेंटर ऑफ द सर्कल. सेंटर, ओ सेंटर ऑफ द सर्कल, ओके? इसको भी एक नाम दे दो, सपोज इधर दे दो पी. तो ओ पी क्या हो जाएगा, ओपी इक्वल टू, ओपी क्या होता है, ओपी इसको आर, स्मॉल आर से डिनोट किया जाता है रेडियस को. तो आप इधर लिख दो रेडियस आर, तो इसको ही आप बोल सकते रेडियस, ओके? रेडियस आर को मतलब ओपी जो डिस्टेंस है, ये डिस्टेंस को क्या बोलते हैं, रेडियस. एंड देन इधर से इधर एक लाइन खींच दो और इसका नाम दे दो ए बी. तो ए बी को क्या बोलोगे स्टूडेंट्स, ए बी, ए बी इज द डायामीटर,
ऑफ द सर्कल, डायमीटर ऑफ द सर्कल, इसको फुल, जो लाइन सेंटर को क्रॉस करके जाता है उस सारे लाइंस को ही डायमीटर बोलते हैं। ओनली ये डायमीटर है, इधर से अगर आप एक फिक्स्ड लाइन खींचोगे जो सेंटर को क्रॉस करके जाता है वो भी एक डायमीटर हो जाएगा, अंडरस्टैंड्स। एंड देन डायमीटर के बाद में आपको एक चीज बताऊंगा, डायमीटर के साथ रेडियस का क्या संबंध संबंधित है, संबंध क्या है, मतलब रिलेशन क्या है। देखो डायमीटर और रेडियस का रिलेशन ऐसा है, डायमीटर इक्वल टू 2 इनटू रेडियस, मतलब डायमीटर की जो डिस्टेंस है वो 2 मल्टीपल्स ऑफ रेडियस, रेडियस को 2 से मल्टीप्लाई करोगे जितना डिस्टेंस आएगा वो डायमीटर की डिस्टेंस की इक्वल्स है, अंडरस्टैंड। दिस इज द रिलेशन बिटवीन द डायमीटर एंड रेडियस, अंडरस्टैंड स्टूडेंट्स। एंड देन इधर से इधर तक एक लाइन खींच दिया जिसका नाम दे दिया MN, तो MN को क्या बोलते हैं, MN को क्या बोलते हैं, कॉर्ड, हो गया कॉर्ड, MN कॉर्ड, ऐसे ये बहुत सारे कॉर्ड हो सकता है। ये डायमीटर भी एक कॉर्ड है, लेकिन इट इज कॉल्ड द बिगेस्ट कॉर्ड, डायमीटर इज द बिगेस्ट कॉर्ड, डायमीटर इज द लार्जेस्ट कॉर्ड ऑफ द सर्कल, डायमीटर को क्या बोलते हैं, लार्जेस्ट कॉर्ड बोलते हैं, सबसे बड़ा डिस्टेंस वाली कॉर्ड कौन सी है, डायमीटर है, अंडरस्टैंड्स। सो स्टूडेंट्स कॉर्ड हो गया, आपको पता चल गया कि कॉर्ड क्या है, अंडरस्टैंड्स। आफ्टर दैट कॉर्ड के बाद में आपको एक चीज बताऊंगा, जो आर्क, आर्क क्या बोलते हैं, आर्क किसको बोलते हैं, इधर तो आपको कंप्लीट हो गया, समझ में आ गया, उसके बाद में देखो आर्क समझाऊंगा। एक सर्कल की आर्क क्या होता है, ये एक सर्कल है, सर्कल की मान लो इधर एक पॉइंट है, इधर एक पॉइंट है, ए बी, ये पी, मतलब इधर से इधर तक जो है इधर पी दे दो और इधर क्यू दे दो, ओके। तो स्टूडेंट्स देखो आर्क किसको बोलते हैं, ये पूरा तो एक आर्क है, आर्क कार्ब लाइन है ना, तो उसको आर्क बोलते हैं, लेकिन इसमें बात आ जाएगा कि मेजर आर्क और माइनर आर्क क्या होता है, ये मैं आपको बताने वाला हूँ। देखो आर्क अगर इसको इधर पॉइंट, दो पॉइंट ले लोगे तो ए पी भी एक आर्क है, ओके। तो डिनोट कैसे करोगे आर्क को, ए आर सी आर्क, आर्क ए पी बी, तो ए पी और बी, देखो ये एक कार्ब लाइन है जो आर्क बता दिया, तो कार्ब लाइन इधर एक कार्ब लाइन ऐसे लिखना है आपको, इंडिकेट ऐसे करना है, ए पी बी, तो ए पी बी ऊपर कार्ब, अंडरस्टैंड। दिस इज ऑल्सो कॉल्ड द माइनर, ओके माइनर कार्ब, मतलब देखो इधर से इधर तक एक कार्ब आर्क है और इधर से इधर तक भी एक आर्क है जिसका नाम है ए क्यू बी, ओके। देखो ए पी बी, ए पी बी मतलब ये इधर से इधर तक जो कार्ब है इसको क्या बोलते हैं, माइनर कार्ब, माइनर आर्क। और इधर से इधर तक जितना भी कार्ब का डिस्टेंस, मतलब बड़ा वाला जो का आर्क है, इस आर्क को क्या बोलते हैं, मेजर आर्क, अंडरस्टैंड स्टूडेंट्स। तो माइनर आर्क और मेजर आर्क क्या होता है, समझ में आ गया, माइनर आर्क छोटा वाला जो आर्क है उसको माइनर आर्क कहते हैं, बड़ा वाला जो आर्क है उसको मेजर आर्क कहते हैं, ओके समझ में आ गया स्टूडेंट्स, ओके। नेक्स्ट है, देखो इसमें एक चीज है जो आपको बताना भूल गया, सेगमेंट ऑफ सर्कल क्या होता है। देखो जो मेजर आर्क माइनर आर्क मैंने बता दिया, तो मेजर आर्क माइनर आर्क की बीच में एक लाइन अगर खींच दोगे, इसको क्या बोलते हैं, सेगमेंट ऑफ सर्कल। तो इस लाइन को ए बी को क्या बोलते हैं, अभी सेगमेंट
ऑफ सर्कल, अंडरस्टैंड, सेगमेंट ऑफ सर्कल, इसको क्या बोलते हैं, सेगमेंट ऑफ सर्कल। देन और एक चीज आपको बताऊंगा सर्कल के बारे में, सर्कल की सर्कमफेरेंस क्या होता है ये मैं आपको बता रहा हूं।